Disconnected. अंपायर स्टार्ट करें, स्कोरर स्टार्ट आणि गोकुळला पण पाय वर केले पॅन्ट आणि भरतेने पण पॅन्ट वर केलेली आहे. बघा कोणाची निघत्या. स्ट्रेट बॉल डिफेन्स कर दिया आहे एक रन. अच्छा डिफेंस वहां पे, कोई रन नहीं. और ये उठा के मार दिया है और ये एक मिनट अंपायर डिसीजन. एक रन, अंपायर यहीं बैठे हैं थर्ड अंपायर, उन्होंने एक रन दिया है. टावर के ऊपर से बॉल गया था, अच्छा डिसीजन अंपायर का. नया बॉल देना, नया बॉल. आ गया नया बॉल, थैंक यू स्पेक्टेटर. फिर से पैंट ऊपर गोकुल टू पैंट ऊपर भारत. शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया है एक रन के लिए. गोकुल टू गोकुल कट कर दिया ऑफ साइड में. रन का रिस्क है, यहां पे रन आउट हो सकते हैं. और ये अंपायर डिसीजन आउट. रिव्यू ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं आप. ओके रिव्यू लेंगे. खाली थर्ड अंपायर और कोई नहीं जाएगा वहां पे. जिसको देखना है वो यूट्यूब में देख सकते हैं. थर्ड अंपायर आप यूट्यूब लाइव में भी देख सकते हो, आउट होने के बाद भी जाके पीछे. आउट भरत अट्टल आउट. और ये बहुत ही बढ़िया रिव्यू सिस्टम हमने लिया इस साल, बहुत खर्चा किया है कमिटी ने. आणि एक नंबर कॅमेरामॅन काम आपलं आहे, परफेक्ट दिसते युट्यूबला. आउट शॉर्ट पिच बॉल कुल कर दिया है यहां पे. और यहां पे अच्छी फील्डिंग प्रदीप की, एक हैंडेड थ्रो, एक ही रन मिलेगा. आदित्य की अच्छी कवर. एक ओवर के बाद स्कोर हुआ है चार रन. बॉलिंग को आए हमारे राइजिंग स्टार प्लेयर कंटेंडर आदित्य मालू. हमारे माहेश्वरी युवा सह माहेश्वरी जिला सभा के अध्यक्ष मनमोहन जी का सेट
का आगमन हो चुका है, उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हें स्टेज पे आने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट पिच बॉल पुल कर दिया है लेग साइड में, फिर से फील्डिंग, एक रन। फील्ड में चेंज और ये बहुत ही अच्छा बॉल, बैट्समैन बोलते हुए स्पीड चेक। पैरों में बॉल ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, बहुत सुंदर शॉट वरुण का, एक रन। और क्लीन बॉल और ये काम चल गया आदित्य मालू का, सीधा बॉल स्टंप पे, क्लीन बोल्ड। बैटिंग को आए हैं रवि मालू, दोनों स्टार बल्लेबाज पीछे। कट कर दिया है लेग साइड में, एक रन मिलेगा। कमिटी माइक से संपर्क करे कोई तो, माहेश्वरी युवा मंच कमिटी, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करे जल्दी। सचिन सारडा, स्पेशली सचिन सारडा, और आगे ड्राइव कर दिया है तुषार की अच्छी फील्डिंग, एक की रन मिलेगा। ओवर, संदीप तोष्णीवाल बॉलिंग को आते हुए, राहुल लड्डा आप आ जाइए बाहर। काय वरून सांगितलंय, तीन फिल्डर लेग में, तीन फिल्डर ऑफ में और फिर से चेंज, चार फिल्डर ऑफ में, दो फिल्डर लेग में। संदीप तोष्णीवाल टू वरुण, और ये दो फील्डर लगा के भी फायदा नहीं, उसमें से भी गैप निकालते हैं, वरुण का ये ट्रेडमार्क शॉट है, एक रन। सचिन सारडा, सह कोषाध्यक्ष सचिन सारडा, ए रमन, रमन सारडा, और ये फुल टॉस बॉल मिस कर दिया, अच्छी कीपिंग वहां बाबूराव की, कोई रन नहीं। पैरों में बॉल, अच्छी फील्डिंग पर एक रन बचा नहीं पाए, एक रन मिलेगा। ए बच्चा पार्टी मारो,
और ये कंप्लीटली बीट हो गए। और यहां पे 16 बॉल 10 रन 2 विकेट पे मालू टाइटंस बॉलिंग कर रहे हैं लेजेंड्स के संदीप। और ये 9 बॉल का इशारा और वरुण का एक सिंगल, एक रन मिलेगा और एक रन 9 बॉल का मिलेगा। आप यूट्यूब ऐप पे स्कोर भी देख सकते हैं, नीचे डायरेक्ट नो बॉल है, डायरेक्ट अंपायर डिसीजन दिला है, विषय संपला, चला कंटिन्यू प्लीज। वन बाउंस वन बाउंस नहीं है यहां वर्षी, फ्री हिट का इशारा है अंपायर का। बॉल आने वक्त उसके पहले पुराना बॉल दे दो, टक टक टक। फील्ड में चेंज कर सकते हैं वो, स्ट्राइक चेंज हो चुकी है। पैरों में बॉल ड्राइव कर दिया है सामने, गुकुलेटा का अच्छा ट्राई बट एक रन बचा नहीं पाए वो। 17 बॉल 13 रन, स्कोर अभी भी कंट्रोल में है टाइटंस के। ड्राइव कर दिया ऑफसाइड में, अच्छी फील्डिंग वहां पे आ रही थी बट मिस हो गई। 2 रन 3 रन मिलेंगे, बॉल आ गया अंपायर, पुराना बॉल आपके पास ही रखिए। 18 बॉल 16 रन पेयर्ड। बॉलिंग आ रहे फिर से राइजिंग स्टार कंटेंडर आदित्य मालू। भरोसा दिखाती हुई लेजेंड्स नए प्लेयर पे आदित्य मालू, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, विकेट लिए लास्ट ओवर में। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 16 रन। पैरों में बॉल ड्राइव कर दिया है, रनआउट हो सकते हैं बट पकड़ नहीं पाए गोकुल। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं आदित्य। यॉर्कर बॉल वापस ड्राइव, यहां पे चांस है फिर से रनआउट का बट वापस कंट्रोल नहीं कर पाए गोकुल। और ये कच्चा कीपिंग वहां पे, बाल बाल बचे वरुण। और ये दोनों पैरों के बीच से बॉल, बहुत ही रैपिड था, मुश्किल तो कैच था ये विजय को। अच्छी कोशिश वहां पे, एक रन मिलेगा वरुण को। फिर से नन्हे मुन्ने आदित्य, और ये इनसाइड एज और एक रन मिलेगा। बाबूराव को कैच का ट्राई करना चाहिए था। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, और ये अच्छा डिफेंस वहां पे, कोई रन नहीं, बेहतरीन बॉलिंग। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 20 रन 2 विकेट।
बॉलिंग करने आ रहे हैं सौरभ बंग, फील्ड में चेंज, गोकुलेटा फील्ड बाउंड्री पे जा रहे हैं, आदित्य मालू कवर पॉइंट पे, और ये बेहतरीन बॉल, लेग स्पिन, कंप्लीटली बीट हो गए रवि। रवि और सौरभ हर रोज माधवनगर में साथ में खेलते हैं। पच्चीस बॉल 20 रन। शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया है और ये एक ही रन। लेग में दो, ऑफ में चार, फील्ड में चेंज, फिर भी वरुण मालू गैप निकाल सकते हैं, उनकी खासियत है ये। Disconnected. Paired. उठा के मार दिया यहां पे, अच्छा ट्राई, अंपायर डिसीजन, दो रन। पैरों में बॉल, लेग साइड में ड्राइव कर दिया है, गोकुल लड्डा ने मिस फील्ड करी, पर रिस्क नहीं ले सकते गोकुल लड्डा के थ्रू पे, बहुत बढ़िया थ्रो करते हैं वो। एक ही रन, मालू टाइटंस को ये मैच जीतना जरूरी, ग्रुप में आगे रहने के लेजेंड्स को भी खाता खोलना बाकी है, उन्हें भी मैच जीतना बहुत जरूरी, कांटे की टक्कर। और ये लेग स्पिन, और ये अच्छी फील्डिंग वहां पर विजय की, उन्होंने बॉल छोड़ दिया है, एक रन मिलेगा। बैटिंग पावर प्ले, लवकर करा लेजेंड, जरा अंपायरचा इशारा आहे, नाहीतर दोन रन मायनस होतील तुमचे, येलो कार्ड पण मिळू शकतोय। फील्ड में चेंज, बैटिंग को आए वरुण, बोर हो गए वो बाजू में खड़े होके। और शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया है एक रन के लिए। रवि मालू बैटिंग करते हुए, फिर में बॉल ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में, आदित्य मालू का मिस फील्ड पर रन लेना, और यहां पे प्रदीप की अच्छी फील्डिंग, और एक रन मिलेगा एक्स्ट्रा, अगर प्रदीप नहीं बॉल रुकाते तो दो रन मिल जाते, ओवर थ्रो जा रहा था वो, टोटल दो रन मिलेंगे। दो बड़े झटके लगने के बाद अच्छी बैटिंग कर रही है ये पैर मालू टाइटंस की, इसीलिए इन्हें टूर्नामेंट फेवरेट्स बोलते हैं, और ये बीट हो गए।
एक रन मिलेगा यहां पे। चौतीस बॉल 30 रन। अच्छी बैटिंग चल रही है। हेलो हेलो हेलो, बॉलिंग कर रहे हैं संदीप। अच्छा कट कर दिया है, देखेंगे कितने मिलते हैं। उतनी अच्छी फील्डिंग आदित्य द्वारा, एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ 6 ओवर के बाद कुल स्कोर 32 विद द हेलो लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हेलो, बहुत ही बढ़िया स्कोर है स्पार्टन्स, सॉरी लीजेंड्स को। अगर इस मैच में बना रहना होगा तो थोड़ा स्कोर को हेलो रोकना पड़ेगा। हेलो, बॉलिंग के लिए आए सौरभ, सामना करेंगे रवि मालू। और ये उठा के मारा है, ग्राउंड के बाहर, हिट आउट। डिस्कनेक्टेड। रवि मालू की विकेट गिरती हुई, मालू टाइटंस को एक और झटका। अंपायर बॉल। बैटिंग के लिए आ रहे अर्जुन अट्टल, पहली बार मैं इनको ट्रैक पैंड में खेलते हुए देख रहा हूं, वरना हर मैच इन्होंने जींस में खेला है। हल्की सी मुस्कान लेकर आते हुए अर्जुन अट्टल। बॉलिंग करेंगे सौरभ। ओ, ये बहुत ही बढ़िया बॉल, समझ नहीं पाए, बाहर निकाला सौरभ ने ये बॉल, अर्जुन पूरी तरह से बीट हो गए। अंपायर और ये मारा है उठा के, देखेंगे कितने रन मिलेंगे। थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन और ये अंपायर का डिसीजन, रन आउट। वरुण की थोड़ी सी धीमी गति से रन लेने की कोशिश, और इसी तरह लीजेंड्स को एक और विकेट मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग सौरभ बंकी। बैटिंग के लिए आ रहे कपिल मालू। बैटिंग के लिए आया अर्जुन, सामना करेंगे सौरभ का। और ये बीट हो गए फिर से, समझ नहीं पा रहे सौरभ की बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ये कट कर दिया है, सिंगल मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कपिल मालू। बैटिंग के लिए आए कपिल मालू।
और ये मारा है, 2 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट कपिल का, 200 का स्ट्राइक रेट, एक ही गेंद में 2 रन चटकाए। ठीक है, पायद नको, पायद नको। अब इसके पास दिया हूँ ट्रांसपोर्ट। काफी बढ़िया शॉट इसी बीच लगाए यहाँ पर कपिल ने, काफी बढ़िया कपिल का शॉट ये। इस 4 रन से स्कोर पहुंचा 41 रनों पर आखिरी ओवर चरम पर इस वक्त इस पहले इनिंग का। मालू टाइटंस बल्लेबाजी करते हुए 5.59 के औसत से रन बनाने हैं। बढ़िया, फिर से एक बार, और ये फिर से एक बार 2 रन। खराब फील्डिंग, थोड़े से दबाव में। ये देखिए अर्जुन काफी तेज तर्रार गोली की रफ्तार जैसे रनिंग लगा रहे हैं। आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग की। बढ़िया शॉट, फिर से, और ये कैच आउट इस बार कपिल। एवी इन्होंने कैच पकड़ा। बैट्समैन लौकर पाठून दिया, बैट्समैन आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग की। अर्जुन है स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर अभी अभी नए बल्लेबाज गोविंद परिक। आखिरी बढ़िया शॉट, आइए हिट आउट, हिट आउट हो गए वहां पर। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद इस इनिंग की। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 43-46 स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट इनिंग लास्ट ओवर। गोपाल सारडा अब है नए बल्लेबाज आखिरी गेंद खेलने के लिए। और ये भी आउट हो गए वहां पर, और इसी के साथ हैट्रिक, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ये बनाने का बहुमान प्राप्त होता हुआ तुषार 43 रन बनाए। मालू टाइटंस ने जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य रखा है। लेजेंड्स के सामने उन्होंने नेक्स्ट मैच, इसके बाद होने वाला मैच
वेंकटेश वॉरियर्स वर्सेस पाटन। दोनों टीमों के कप्तान फौरन कॉमेडी बॉक्स के करीब आ जाए टॉस के लिए। वेंकटेश वॉरियर्स वर्सेस पाटन। ग्राउंडमन जी विकेट धरणारी मुले आहेत त्याने कृपया दुसरा मुलगा कुठे आहे त्याने येलो वगैरे सावकारी आहे। अंपायर सामना लगेच आवरून घ्यायचा आहे। वेंकटेश वॉरियर्स लेजेंड्स इसके बाद होने वाला मैच वेंकटेश वॉरियर्स वर्सेस स्पार्टन। दोनों टीम के कप्तान फौरन आ जाएं यहां पर टॉस के लिए। स्पार्टन इस ग्राउंड के क्रीडा व्यवस्थापक आदित्य मालू इनसे विनती है जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए क्योंकि काफी देरी से चल रहा है आज का ये मैच।
गेंदबाजी करते हुए रवि मालू जबकि स्ट्राइक पर हैं, बाबरा नॉन स्ट्राइक पर हैं। मैच शुरू होने का संकेत देते हुए तुषार नॉन स्ट्राइक पर। कल काफी चोट लगी थी वहां पर बल्लेबाज नितेश को। अच्छी गेंद वहां पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में खेला इसे, पहली रन तेजी से। फिर से एक बार सिंगल रन। इस बार दो रन वहां पर तुषार द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद छह रन बनाए यहां पर 42 गेंदों में, अभी भी 38 रनों की जरूरत। गोकुल लड्डा अब गेंदबाजी के लिए यहां पर। तो वेंकटेश वॉरियर्स और स्पार्टन के बीच अभी भी जो टॉस हुआ उसमें वेंकटेश वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय कर लिया है। फिर से एक बार सिंगल रन। एक रन, फिर से एक बार। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बाबूराव वहां पर मितेश। सोची समझी साजिश के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज नितेश और मयूर। अगली गेंद और फिर से एक बार एक सिंगल रन। दो ओवरों के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील लेकिन कोई असर नहीं। अर्जुन एकमात्र ऐसे तुरुप के हैं ये लेजेंड्स के। और यहां पर काफी आसान सा कैच छोड़ा, यानी ये कैच मैच जिता सकता था ऐसी उनकी आकांक्षा। पकड़ो कैच जीतो मैच।
पिछली गेंद पर काफी आसान सा कैच छोड़ा था वहां पर वरुण ने। बढ़िया शॉट वहां पर नितेश द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी नितेश द्वारा अभी भी चल रही है। इस ओवर से अब तक अर्जुन ने 3 रन दिए हैं। फिर से एक बार बैकफुट 5, 1 रन। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, कोई असर नहीं अंपायर पर। और इसी के साथ 3 ओवरों के बाद 16 रन। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, 4 रन दिए। अब भरत आए हैं गेंदबाजी के लिए। भरत अट्टल, बढ़िया गेंद, नो बॉल, पहली गेंद नो बॉल डाली वहां पर भरत अट्टल ने। एक रन सिंगल, 1D। थांबाई जाए खेळाडू, प्लेयर आ थांबाई जाए। आलेला आहे बॉल, स्कोर पहुंचा 18 रनों पर। बढ़िया पंच, अच्छी फील्डिंग गोकुल की, गोकुल लड्डा फील्डिंग करते हुए वहां पर। इक्कीस 20 रन बन चुके हैं यहां पर। बढ़िया गेंद यहां पर, अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहां पर। फिर से एक बार बेहतरीन गैप, लाजवाब शानदार गैप, 3 रन वहां पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन विकेट की तलाश में है वहां पर। इसी के साथ 4 ओवरों के बाद स्कोर पहुंचा 24 रनों पर। 24 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर अर्जुन अटल।
बढ़िया गेंद यहां पर इस बार अर्जुन की। सिंगल सिंगल नीतीश ने एक और सिंगल रन वहां पर। बढ़िया शॉट फिर से एक बार, इस बार एक रन। इस टूर्नामेंट के इवेंट पार्टनर राम ग्रुप, उम्मेद ग्रुप फाउंडेशन, क्रीड़ा नगरी सांगली में आपका फिर से एक बार स्वागत। बढ़िया शॉट, एक ही रन। पांच ओवरों का खेल समाप्त, पांच ओवरों के बाद 29 रन, 18 गेंदे और अब 15 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए यहां पर लेजेंड्स को। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, इक्का दुक्का रनों पर जोर देते हुए ये दोनों बल्लेबाज अभी तक अपना संतुलन नहीं खोया इन दोनों ने, नितेश और मयूर ने, माफ कीजिए तुषार ने। बैटिंग पावर प्ले जो छठी ओवर में अनिवार्य है। बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास किया वहां पर नितेश ने। हल्के हाथों से इसे ढकेला ऑन साइड में, फील्डर मौजूद वहां पर गोकुल लड्डा। एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन वहां पर और क्लीन बॉल, पहली विकेट यहां पर मिलती हुई अक्रॉस द लाइन। अच्छा खेल रहे थे सीधे बल्ले से, लेकिन इस बार एक गलत शॉट सिलेक्शन वहां पर नितेश का। अक्रॉस द लाइन आकर खेलने का प्रयास, आड़ा बल्ला जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, और क्लीन बॉल्ड हो गए वहां पर। गेंद काफी नीचे रही, सौरभ बंक अब बल्लेबाजी के लिए। सौरभ बंग चार छह ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा लेजेंड्स का 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए लेजेंड्स को। गोकुल लड्डा गेंदबाजी के लिए, इस मैच का ये निर्णायक ओवर रहेगा मैं कहूंगा। यहां पर काफी बड़ा ओवर है ये, और यहां पर मौका गवाया
कैच का। खराब विकेट कीपिंग, एक रन मिली, वन डी, दस गेंदे और नौ रन। काफी खराब फील्डिंग हो रही है वहां पर, एक रन मिली। अच्छी गेंद इस बार ओंकार की, आठ गेंदों में आठ रन। फिर से एक बार मौका गवाते हुए, ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते हैं, लपके जाते हैं यहां पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, सात गेंदों में सात रन। अच्छी फील्डिंग यहां पर, और देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या है। और इसी भी देखिए, ये आपका रिव्यू खत्म हो चुका है यहां पर, देखते हैं अंपायर क्या कर रहे हैं। एक आदित्य मालू, आदित्य मालू, गोविंदा तोशनीवाल कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें जल्द से जल्द। आदित्य मालू आ गए, आदित्य मालू आ गए, आप बात कर। आदित्य मालू, गोविंदा तोशनीवाल अंपायर को लेके बाजू में, अंपायर को लेके बाजू में आए।
काफी रोमांचक स्थिति सी है मैच गुजरता हुआ, दर्शकों की सांसें थमी हुई यहां पर इस मैच को देखने के लिए। जे तिथे यूट्यूब चे कार्यकारी मंडळ आहेत तिथे थर्ड अंपायर ला बसण्याची सुविधा केलेली आहे, थर्ड अंपायरच्या जवळ कोणीही बसू नये। प्रेक्षकांनी सरकायचं आहे ते दोन, कृपया सर्वांनी आलायचं आहे। सब टीम को जानकारी दी जाती है कि एक इनिंग्स को एक रिव्यू है, पर इनिंग एक रिव्यू है, तो बॉलिंग टीम अपना इस इनिंग्स का रिव्यू यूज कर रही है। और ये किंग ऑफ के मालू टाइटंस ने रिव्यू लिया हुआ है, अंपायर डिसीजन है नॉट आउट, अंपायर डिसीजन है नॉट आउट, उन्होंने रिव्यू यूज कर लिया है, मालू टाइटंस का रिव्यू लॉस्ट हो चुका है। कंटिन्यू प्लीज। स्कोर एक बार चेक कर लीजिए लेजेंड स्क्रीन पे, 6 बॉल में 5 रन चाहिए, टाइटन स्कोर चेक कर लो। ओके कंटिन्यू। और ये काफी रोमांचक मुकाबला, 6 बॉल 5 रन, बॉलिंग करने आए हैं 9 उंगलियों के, 1 उंगली उनकी इंजर्ड है, अंगूठा नहीं चल रहा है उनका। और 10 के 10 प्लेयर अनुपसावा पकड़ के बोल रहे हैं कीपर चेंज। 6 बॉल 5 रन, पैरों में बॉल कट कर दिया, पैर रन हो सकते हैं और ये आउट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे भरत अट्टल की और ये बेहतरीन रन आउट, सेट बैट्समैन तुषार मुंदड़ा आउट। पांच बॉल पांच रन, बढ़िया बॉलिंग कर रहे कपिल, अपने फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग को आए पैंट ऊपर करके गोकुल लड्डा, पहले बॉल से उन्होंने पैंट ऊपर करी, अभी तो उनकी पैंट ऊपर ही है। पांच बॉल पांच रन, बैटिंग कर रहे हैं 7400 के सौरभ बंग।
कट कर दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पे अनूप की, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा ट्राई था उनका, जेड वन के हिसाब से काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हो, त्यांचा वाढदिवस आहे म्हणून त्यांनी सिव्हिल ड्रेस मध्ये आहेत, जाता जाता त्यांच्याकडनं कूपन घ्या, 20 कूपन त्यांनी वाटणार आहेत फ्री मध्ये, चार बॉल चार रन, ऐसे प्रेशर सिचुएशन में कपिल मालू को बॉलिंग नहीं देनी चाहिए, देखते अभी वो क्या करते हैं, बैटिंग कर रहे हैं गोकुल लड्डा वखारबाग, और ये मिस कर गए, बेहतरीन बॉलिंग, कोई रन नहीं है, बैट को बॉल नहीं लगाए, अनुप हजारे की बेहतरीन कीपिंग, दो बॉल तीन रन, दो बॉल तीन रन, गोकुल लड्डा का अच्छा लेग में शॉट एक रन के लिए, बॉलिंग कर रहे कपिल मालू, बॉल आ गया है, फील्ड सेटअप हो चुकी है, पीछे चली गई है फील्ड, लेग में आगे एक उठा के मार दिया, और ये अच्छा ट्राई वहां पे, दो रन हो सकते हैं और दो रन हो गए हैं, अच्छी कीपिंग वहां पे अर्जुन अट्टल की, कवर अप कर दिया, एक बॉल एक रन, गोकुल लड्डा अगर कैच नहीं खाली बॉल अड़ा के अंदर डाल देते तो एक रन से बच जाता ये, एक बॉल एक रन, फील्ड टाइट होती हुई, बैटिंग करेंगे सौरभ बंग, बॉलिंग करेंगे कपिल मालू, मैच टाई हो चुका है, काफी रोमांचक मुकाबला ये, एक बॉल एक रन, गोकुल लड्डा सलाह देते हुए कपिल मालू को, संदीप तोष्णीवाल आपको अलाउड नहीं है, बीच में आपको येलो कार्ड मिल सकता है अगले मैच के लिए, लास्ट वार्निंग है ये लेजेंड्स टीम को, कोई भी प्लेयर अगर अंदर आता है तो वार्निंग है येलो कार्ड सीधा, और ये आउट, अभी भी एक बॉल एक ही है, पता नहीं मालूम इतना खुश क्यों हो रही है, पर एक बॉल एक ही है, एक बॉल एक रन, और भागने के लिए आए ए बी डिविलियर्स उर्फ रमाकांत जाकोटिया, इनको कुछ समझता नहीं है, खाली भागने को आता है, ये भाग लेंगे एक रन पक्का, और सलाह मशवरा हो रहा है यहाँ पे दोनों माधवनगर के प्लेयर का, 7400 सौरभ बंग बैटिंग करते हुए, फील्ड में चेंज, अर्जुन अट्टल आगे आ गए, वरुण मालू फील्ड में चेंज करते हुए, कीपर अनूप असावा थोड़े जोश में दिख रहे हैं, आपका बर्थडे हमें मालूम है अनूप, और ये एक रन कंप्लीट, और लेजेंड ने हमें जीत लिया आखिरी बॉल पे, और वहां पे इतना जोर का उड़ी मारा कि एक जन को इंजर कर दिया है, सौरभ बंग आपका वो वेट 80 के ऊपर है, आप इतना जोर का जंप ना मारे, लास्ट बॉल का ये मैच एक बॉल से जीत लिया है लेजेंड्स ने।